गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको राधा रानी फ्री एजुकेशन में। देखिए बेटा, वर्सी नंबर 23, क्लास 9th हिंदी मीडियम। ओके बेटा, वर्सी नंबर 23। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझना भी है। रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, इसका मतलब है कि अब तो रूस को पता है उसका विघटन हो गया 1991। इससे पहले उसमें बहुत सारे राज्य उसके अंदर थे, वो कौन कौन से क्षेत्र थे वो आपको पूरे पैराग्राफ में आपको दे रखा है, वर्कशीट में आपको दे रखा है बेटा। तो रूसी साम्राज्य में कौन कौन सी क्षेत्र थे वो आपको मैंने लिख दिया। फिनलैंड हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एंथोनिया हो गया, पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, और कुछ बेलारूस के कुछ हिस्से पूरा नहीं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और क्या है, अजरबैजान, ये सब है। रूस क्रांति से पहले रूसी साम्राज्य की सामाजिक और राजनीतिक दशा कैसे थी, मैंने आर्थिक भी लिखा, आपको आर्थिक नहीं लिखना है, आपको दो लिखना है, ये जगह सामाजिक स्थिति। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस के अधिकांश लोग कृषक थे, इसका मतलब क्या है, ना खेती करते थे। रूस की लगभग 80% आबादी किसान थे, उद्योग अस्तित्व में था, लेकिन ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। श्रमिकों को नागरिक आधार पर विभाजित किया जाता था, वे मुख्य रूप से कारखाना में रोजगार के लिए शहरों में आते थे। आप ये सामाजिक स्थिति लिखोगे और राजनीतिक या आर्थिक आपको नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत लाइन अगर एक आधे लाइन लिखना चाहो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको दे रखा है कि इससे पहले सामाजिक और राजनीतिक दशा कैसे थी। ओके बेटा, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फ्रांस क्रांति और रूस क्रांति से आप दो अंतर और दो समानताएं, मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ आपको दे दिया जिससे कि आप कोई भी दो समानताएं और असमानता लिख सकते हैं, ये यह आपको यहां दिखेगा। पूरा को इतना बड़ा लिखना है नहीं, इसको शॉर्टकट करके आपको लिखना है। यह आइए, क्रांतियों के तुलनात्मक अध्ययन दे रखा है, ये देखिए, इसमें ये पूरा है, इसमें आप पढ़ के ठीक है, या आप उसको लिख सकते हैं। दो दो लिखना है, लेकिन मैं बड़ा पैराग्राफ दे दिया जिससे कि आप पढ़ो उसको। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति की तुलना 1789 में फ्रांसी क्रांति से की जा सकती है, इन दोनों क्रांतियों का एक जो संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन अनेक दृष्टियों से रोचक होगा। दोनों कारण काफी गहरे और दूरगामी थे, जो सदियों से दोनों देश में एकत्र हो रहे थे, इसका मतलब ये जो आंदोलन हुआ अचानक नहीं हुआ, बहुत दिन से वो क्या हो रहा था, ये दोनों देशों में एकत्र हो रहे थे। दोनों का प्रभाव उनके देश के अनेक वर्षों तक महसूस किया जाता रहा और इसका प्रभाव अब भी संसार में काम कर रहा है। और दूसरी बात, ये समानता, ये सब बता रहा हूँ मैं, दोनों का उद्देश्य जनसाधारण के शोषण से मुक्ति दिलाना था, एक का समाजवादी शोषण से और दूसरे को पूंजीवादी, इसका मतलब जो पूरे पर जो देश है अलग अलग शोषण से मुक्ति उनको करना था। दोनों ने संसार को नई विचारधारा प्रदान की, एक ने लोकतंत्र दे दिया तो दूसरे ने समाजवादी। ऐसे बेटा आपको पढ़ने के लिए बहुत पैराग्राफ दे दिया, जो आपको ऊपर से आपको लगेगा आप उसको पढ़ सकते हो, जरूर नहीं इतना बड़ा पैराग्राफ पूरा लिखना है, ये बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको जानकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, आंसर ना, युद्ध से किसी देश के नागरिक को क्या फर्क पड़ता है, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है आप, देखो क्वेश्चन नंबर 4, युद्ध के किसी देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बेटा आर्थिक प्रभाव पड़ता है, उनकी शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनकी रहने के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बुनियादी ढांचा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें युद्ध के प्रभाव को व्यापक रूप से फैल रहे हैं और लंबी अवधि का अल्पावधि हो सकते हैं, और सैनिक को नागरिक की तुलना में अलग हो गए तरह से युद्ध का अनुभव होता है। हालांकि या तो युद्ध का समय में पीड़ित होते हैं और महिलाएं और बच्चे को विशेष रूप से अकथनीय अत्याचार सहना पड़ता है। पिछले एक दशक और सशस्त्र संघर्ष में मारे गए लोग में ये 2 मिलियन बच्चे थे, तो मतलब जो 2 युद्ध हुआ उसमें इतना बच्चे थे जो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, ये सारे चीज़ें आपको दे रखा है। इनमें से जो जो परिणाम होता है, जो जो आपको ठीक लगे बेटा, इसमें से ढूंढ के आप लिख सकते हो।
जैसे इस पैराग्राफ में दे रखा है, महिलाओं पर युद्ध का कई प्रभाव होता है, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक रूप से, ये सब सिटीजन के ऊपर है बेटा। तो जो जो लाइन आपको ठीक लगेगा आप उसमें नोट आउट कर सकते हो। ज़्यादा इसलिए दिया गया, आप पढ़ोगे उसमें आप लिखोगे, पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना बेटा, कभी चार चार पेज का लिखोगे वो नहीं है। ज़्यादा दे दिया गया, आप इनमें से छाट के जो अच्छे अच्छे लाइन है वो आप इसमें कलेक्ट कर सकते हो। ओके बेटा, कुछ बच्चों का था कि 9 क्लास का असिस्टेंट का सर बना दो, तो मैंने आपको दे दिया। तो जरूरी है, खूनी रविवार ये सब मैंने बताया नहीं, तो आपको ये चार क्वेश्चन है जो हिंदी मीडियम है, तो बेटा आप उसको कर सकते हो। दोबारा मैं आपको थोड़ा हल्का सा दिखा दूँ जिससे कि आप ये दिख नहीं रहा है बेटा, आराम से उसको थोड़ा लिखना। ये 3 में देखो, बहुत ज़्यादा मैंने समानता असमानता बताया, लेकिन उसमें आपको जो आपको ठीक लगे वो आप इसको लिख सकते हो। ये चौथा रहा, ओके बेटा। इस उम्मीद के साथ मैं इसको एंड करता हूँ बेटा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। और हैव ए नाइस डे बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।